बरेली के पहेड़ी के बाईपास पर उस समय लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया जब एक चलती कार में आग लगने से कार चलाने वाले को अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया। दरअसल एक युवक वेंटो कार से हल्द्वानी से बरेली जा रहा था कि अचानक उसकी कार में आग लग गई। आग लगते ही उसने अपना सामान और खुद को बचाया। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और पूरी कार जलकर खाक हो गई। इसी दौरान फायर ब्रिगेड वालों को भी सूचना दी। फायर की गाड़ी आने पर दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए, परंतु तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। इस दौरान रोड पर वाहनों का लंबा जाम भी लग गया। रास्ते में एकदम से गाड़ी रुकी, उसमें धुआं निकलने लगा, बंद हो गई थी मतलब। उसके बाद में फिर मैंने रोकी, उसके बाद में उसमें धुआं निकलने लगा। फिर एक बराबर सा आदमी क्या बोला, भाई इसमें आग लग जाएगी, जल्दी से उतर जाओ, बोनट खोल लो इसका, और क्या कहते हैं पानी उन्हीं डाल लो, बैटरी का तार निकाल दो। मैंने सोचा कि बोनट खोल दूं, लेकिन बोनट नहीं खुल पाया, गाड़ी लॉक हो गई थी पूरी। तो नहीं खुलने के चक्कर में मैं दूर आके खड़ा हो गया। फिर उसमें आग लगने लगी धीरे धीरे। फिर बाद में और भाई लोग मिल गए हमारे साथ के, और उन भाई लोगों ने हमारे से कहा कि अपना सामान निकाल लो, इसमें अब क्या कहते हैं कुछ नहीं होगा, इसमें आग लग के रहेगी, और जब तक फायर ब्रिगेड को बुला लो, फायर ब्रिगेड आएगी तो वही आग बुझा पाएगी।